विवान, यही सही मौका है। जाओ, अब सबका भविष्य तुम्हारे हाथों में। ठीक है बाटे। हमारा काम हो गया, चलो यहां से। ए, चल चल तो बा चल। अरे ये क्या कर रहा है? अरे लगना चाहिए ना, हम भी लड़े थे। चल मुझे भी लगा दे। है यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। अरे क्या अजीब हुआ होगा, हर बार की तरह बार भी लाकर आपके इरादों की मीठी खीर में नमक डाल के चला गया और क्या। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बात कुछ और है। बालवीर यहाँ पर सिर्फ आकाश घड़ी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, इसका मकसद कुछ और था। वरना विवान ने मुझसे लड़ाई क्यों नहीं की? बराने मुझे क्या लगता है? क्या करने आए थे दोनों यहाँ पर? तिम्नासा को शक तो नहीं हुआ बालवीर? नहीं सॉरी, तिम्नासा के सारे लोग आकाश घड़ी को बचाने में व्यस्त थे क्योंकि हम उसे बहुत नुकसान पहुंचा कर आए। हाँ शौर्य, और इसका मतलब अब तिम्नासा भविष्य में जाकर वो तीसरी मणि वापस नहीं ला सकती, और विवान जब अलादीन को लेकर लौटेगा तब हम सब मिलकर तिम्नासा और जिन को हरा पाएंगे। तिम्नासा, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द उस भविष्य मणि को हासिल कर लो ताकि तुम उस महासिंहासन पर बैठकर तीनों लोगों की सम्राज्ञी बन सको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा कालपरी ने, क्योंकि उसके बाद भैरानी को कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन भैरानी, हाँ? अब आप वो भविष्य मणि लेने जाएंगी कैसे? वहां देखिए, हर मुश्किल को आसान कर देगा ये चीज। अगर आप चाहें रात से दिन कर देगा ये चीज। उम्मीद और भरोसा बनाए रखना अच्छी बात है, लेकिन लेकिन क्या शौर्य? वो आकाश घड़ी सिर्फ टूटी है, नष्ट नहीं हुई, उसे फिर से शुरू किया जा सकता है। कैसे शौर्य? अगर तिम्नासा ने व्योम चक्र यंत्र हासिल कर लिया तो। व्योम चक्र यंत्र? तुम्हारी जबान में से व्योम चक्र यंत्र कहते हैं। हाँ तो चलिए जिनू जी, लेकर आते हो यंत्र? उसे कितने का मिलता है वो? अरे नहीं, मतलब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये चपदारी के आभूषण बेचकर कुछ मिलेगा क्या आपको?
कभी तो मूर्खों वाली बातें बंद किया करो तौबा तौबा। व्योम चक्र कोई खिलौना नहीं है जो बाजार में मिलता है। इसे लेने के लिए आकाश गंगा के केंद्र में जाना होगा। लेकिन आकाश गंगा तो बहुत ही विशाल होती है, इसका केंद्र हम कैसे ढूंढेंगे? कालपरिया बार बार क्यों भूल जाती है कि हमारे पास इस वक्त जीनू जिन है। ये है कुतुब नेमा, मतलब आपकी जुबान में दिशा सूचक यंत्र। इसके जरिए मैं आकाश गंगा के बीचों बीच पहुंच जाऊंगा। तिमनासा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक प्रहर का समय है, उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र की दिशा बदल जाएगी और हम उस घड़ी को शुरू नहीं कर पाएंगे। जाओ जीनू जिन और जाकर वो व्योम चक्र ले आ। जो हुक्म भैरानी। तिमनासा को व्योम चक्र प्राप्त करने से रोकना होगा। कैसे शौर्य? उस तिमनासा को रोकने के लिए जिन को हराना पड़ेगा, और हम सब जानते हैं कि उस जिन को सिर्फ और सिर्फ अलादीन हरा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो बालवीर, क्योंकि तिमनासा अगले एक प्रहर के अंदर आकाश घड़ी को शुरू करने की कोशिश करेगी, उसके बाद अदृश्य काल नक्षत्र मुहूर्त खत्म हो जाएगा। एक योजना है मेरे पास। ये तो इतनी तेजी से उड़ के जा रहा है जैसे कैद में से कोई बुलबुल उड़ के भाग गई हो। फुरार, फुरार। कहीं ये भी तो नहीं भाग गया आपको कुतुबनुमा दिखा के? फिक्र मत करो तौबा तौबा, इस जिन की पीठ में जब तक वो खंजर रहेगा, हाँ, ये पालतू जानवर से भी ज्यादा मेरा वफादार बन के रहेगा। चा, 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 चा। कहा था ना मैंने, वो कहीं नहीं जा सकता, वापस जरूर आएगा। अरे आ गया। ये फरारी, ये तो तूफान की तरह गया और बिजली की तरह वापस आ गया। बड़े जल्दी में लगते हो जिन मियां, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेवजह अपना वक्त बर्बाद मत करो, छोटे मोटे कंकड़ों से मेरा कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारा वक्त ही तो बर्बाद करने आया हूँ मैं, ताकि तुम देर से काल लोक पहुंचो, काल नक्षत्र का समय खत्म हो जाए और वो घड़ी वही पड़ी की पड़ी रह जाए। मेरा वक्त बर्बाद करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी खत्म करवाने आए। ओ
क्या हुआ जिनमी, मेरी जिंदगी खत्म नहीं करोगे? ये वीर वृक्ष की माला है, इस रस्सी की मदद से ही मैंने भैमार को छुड़ाया था। हाँ तिम्नासा, ये वीर वृक्ष की माला को तोड़ना लगभग असंभव है। ये जिन वो कर लेगा, इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए संभव बात नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्यों भूतकाल से हमारे मामले में टांग अड़ाने आए हो? ओ माफ करना, तुम्हारे पास टांगे तो है ही नहीं। जिन मिया, मेरी बात मान लो, ये व्योम चक्र हमें दे दो और शांति से बगदाद वापस लौट जाओ। तुझे ये व्योम चक्र यंत्र चाहिए? अब तू देख, मैं इसे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तू क्या मेरा साया भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो फिर तो वो हाथी का सिंहासन और ये आकाश तमनासा, अब हम दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अगर चिन्ह वापस नहीं आया तो अदृश्य काल नक्षत्र का समय समाप्त हो जाएगा, और अगर बालवीर ने वो यंत्र तोड़ दिया तो हमारी आकाश घड़ी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा तिम्नासा। अब तो सिर्फ एक ही चीज बालवीर को रोक सकती है। क्या? यंत्र तोड़ने से पहले जरा पीछे पलट कर भी देख लो बालवीर। अब कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती तिम्नासा। ये कैसा रूहानी बब्बर शेर, जिसकी सिर्फ दहाड़ने से ही खंजर राख में तब्दील हो गया। अब तुम भी इसी तरह राख में मिल जाओगे जिन। खत्म कर दीजिए शौर्य इस तिम्नासा और उसके इस जिन को।
साल ही हो गया, आज तो इतिहास रचा है मैंने। वर्तमान काल का ये शक्तिशाली शेर, आज इसे मैंने पत्थर का पुतला बना दिया। पता है कैसे शौर्य? क्योंकि मेरे पास भूत और वर्तमान की मणि है। अब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब क्या करोगे बालवीर? क्योंकि अब तो मैं चुटकी बजाते ही तुम सबको खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारा ये वीर कवच तोड़ने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी मां की जान ही ले लूं। बालपरी, 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 बालपरी। अरे जुनू भैया आ गए। हमारे लिए क्या लाए? महारानी, अच्छा हुआ आप आ गई। वो आकाश घड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आप लोग भी वो हो गए। वो भस्म। व्योम चक्र यंत्र का एक फायदा और भी है, इसे लगाते ही घड़ी के कांटों को घुमाना और भी आसान हो जाएगा। अतीत और वर्तमान चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी शक्तियां सीमित होती हैं, लेकिन भविष्य, भविष्य की शक्तियां तो अनंत होती हैं, अनंत संभावनाओं से भरी होती हैं। अब मैं वो भविष्य मणि हासिल करके तीनों काल और अनंत लोक पर राज करूंगी। अतीत और वर्तमान समय की भट्टी में तप कर ठोस हो चुके होते हैं, लेकिन भविष्य, भविष्य तो संभावनाओं के सागर में छुपा होता है। अब मैं भविष्य मणि लेने खुद जाऊंगी। हाँ भैरानी, हाँ। भैमार यहाँ नहीं है,
जब तक मैं वापस आऊं मैं चाहती हूं कि तुम दोनों काल लोक का अच्छे से ख्याल रखना, कोई गलती ना हो। मैं तुम्हें शक्तियां देकर जाऊंगी। दीजिए दीजिए। बालवीर तुम चिंता मत करो, हम सब ने मिलकर बालपरी को जीवन संजीवनी दे दी है। बालवीर पानीपुरी अब ठीक तो है? हाँ बालवीर, अगर सिर्फ दो मणि हासिल करने के बाद तिमनासा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है तो फिर भविष्यमणि हासिल करने के बाद तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ, इसलिए हमें तिमनासा से वो तीनों मणि छीनने होंगे ताकि हम शौर्य को भी ठीक कर पाए। बालवीर और अलादीन साथ मिलकर करेंगे तिमनासा के सपनों का अंत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.